নমস্কার, খোঁজ 24-এ আপনাদের স্বাগত। আমরা গোয়া ট্যুরিজমের ইনভাইটে গোয়া গেছিলাম এবং সেখান থেকে আমরা গেছিলাম মহারাষ্ট্র বর্ডারের কাছে, কন্নাই অ্যাগ্রো ট্যুরিজম। সত্যি ভাবা যায় না, অত বড় জায়গা নিয়ে একটা লোক শুধু অর্গানিক চাষ করে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি একদম দূষণহীন রিসর্ট। মানে আপনি যদি ওখানে যান, না পলিউশন আছে, না কোনো খাবারের ভেজাল আছে, কিচ্ছু নেই। আপনি দুদিন গেলে মনে করবেন একটা অন্য জায়গায় চলে এসেছি। চলুন দেখি। রিসর্টে বেগুন থেকে শুরু করে চেরি পর্যন্ত চাষ করা হচ্ছে, স্ট্রবেরি চাষ করা হচ্ছে, ভাবা যায়? আমরা যখন ঘুরে ঘুরে দেখছি তখন সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছে। যদি স্বপ্ন না থাকে তাহলে কিন্তু কোনোটাই বাস্তব হয় না। স্বপ্ন দেখেছিল এবং সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত করছে। কন্নাই অ্যাগ্রো ট্যুরিজমে যে কর্তা জোসেফ নাইন, তার মুখে শুনুন কীরমভাবে সে আস্তে আস্তে এগুলো করেছে। দেখো, মেরে পাস স্ট্রবেরি হ্যায়, মলবেরি হ্যায়, डिफरेंट टाइप गावास है, पेरू जो बोलते हैं, बाकी डिफरेंट वेराइटीज मैंगोस है, बाकी बहुत सारा अभी फ्रूट्स जो प्लांट है, अभी फ्रूटिंग में नहीं, चिक्कू हो गया है। जामुन बहुत अच्छा वेराइटी है हमारे पास, दो वेराइटी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। और एक तो हाइब्रिड है उसमें एक वेराइटी, एक तो लोकल है। लोकल ब्रीड इतना साइज में छोटा रहता है लेकिन बहुत टेस्टी है। आप किस टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं अपने फार्मिंग में? मेरे पास 10-11 देसी गाय है। बहुत देसी गाय का गोबर और गौमूत्र से हमारा ये सारा सब चलाता है। उसमें बाहर से लाता है, मूंग पाउडर करने के लिए लेके आता है, और ग्राउंड नट केक हमारा कम बढ़ता है, वो भी हमको बाहर से लाना पड़ता है। बाकी उसके अलावा हम कोई केमिकल बाहर से नहीं लाता है, ना कोई फर्टिलाइजर लाता है, कोई पेस्टिसाइड भी नहीं लाता। शहर के बच्चे लोग आते हैं, उनका बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है। बाकी तो मुर्गी है, जो लोग बाहर से आते हैं, कोई मुर्गी मांगे तो हम कोई ब्रॉयलर का इधर चिकन बना कर देते नहीं। हमें लोकल जो मुर्गी हम पालते हैं वही मुर्गी का हम खिलाते हैं उनको। तो जो ब्रेकफास्ट में लोगों को नॉर्मली हम एग देते हैं, वो एग हमारा लोकल एग हमारे ही फार्म का रहता है। आपका खुद का भी कॉफ़ी प्लांटेशन है आपने बोला था, और कुछ मेडिसिन भी अपने फार्मास्यूटिकल में देते हैं, किस चीज़ का देते हैं? वो लेमन ग्रास ऑयल जो हम निकालते हैं उसका जो हमारा लगभग 60% फार्मास्यूटिकल में जाता है, 20% परफ्यूमरी इंडस्ट्री में जाता है, 20% जो डोमेस्टिक पर्पस या हाउस कीपिंग में चले जाता है। कितना वर्कर इधर काम करते हैं? सीजन में मेरे पास लगभग 25 कामगार रहता है, ऑफ सीजन में 9-10 कामगार रहता है। कितना रूम है आपके पास जो आप बाहर से आता है टूरिज्म से, जैसे हम लोग टूरिज्म से है, गेस्ट को रहने के लिए मेरे पास 6 रूम है। तो उसमें से 2 रूम इवन डोमेट्री करके भी यूज़ कर सकता है,
बाकी तो एक फैमिली के हिसाब से हम हमारा मन में ये है, एक फैमिली में हम दो आदमी के लिए तो उसमें बेड का प्रोविजन है, अगर छोटा बच्चा रहेंगे तो हम एडिशनल बेड उनको दे देते हैं। हमको एक बात बताइए, कन्हैया एग्रो टूरिज्म में ना वाईफाई है ना अल्कोहल है, इधर किस टाइप का टूरिस्ट आप होप करते हो जो आएंगे? जिसे शांति से रहने के लिए जगह ढूंढता है उनके लिए मेरा ये सेंटर है, जिसे आराम से एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहना है। और जो अभी तक जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ गेस्ट आ रहा है बहुत स्ट्रेस लेके आया था, एक दो दिन रह के एकदम खुश होकर जाता है, तो उनको जो भी फूड है हम पूरा ऑर्गेनिक फूड हमारे फार्म को देते हैं, जो आपको मैंने आज खिलाया था, जो हमारे फार्म में बहुत सारा सब्जी हम लोग को जितना लगने वाला जो सब्जी है हम लोग यहाँ कल्टिवेट करते हैं। जैसे आपने बोला चाय कॉफ़ी, मुझे जितना चाक पाउडर लगता है जितना कॉफ़ी पाउडर लगता है उतना हमारे लिए कल्टिवेशन है। हमारे पास स्प्रिंग वाटर इतना बढ़िया है तो कोई किसी को कोई पानी लाने की जरूरत नहीं। यहाँ हमारा एक्सपीरियंस है, जो आदमी आते टाइम उनके गाड़ी में जो बॉटल रहता था उन्होंने वो पानी यहाँ फेंक दिया और यहाँ हमारा पानी भर के लेके गया, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जरा गोवा आसबें, जरा प्रकृति के भलोबाशें तारा चेष्टा करबें एखने एक दिन थाकार। गोवा थेके एक घंटार पथ महाराष्ट्र बॉर्डर, डिसेम्बर থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যাওয়াটাই ভালো, তারপরে একটু গরম হয়ে যায়, কিন্তু ওখানে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে একটা হিল স্টেশনে হিল এরিয়াতে এত সুন্দরভাবে অ্যাগ্রো ফার্মিং হচ্ছে সেটা চিন্তা করার বাইরে। আর হ্যাঁ, এই কন্যাই অ্যাগ্রো ট্যুরিজমের সবই ওখানকার জমিতে চাষ করা ভেজিটেবল আপনি খাবেন, ইভেন চালও পর্যন্ত রুটি পর্যন্ত। আজকে তাহলে এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে কোনো নতুন অনুসন্ধান নিয়ে। নমস্কার।